आप में से बहुत सारे भाई को मोबाइल कंपनी के अंदर काम करना था। मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि भैया मोबाइल कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बताओ जहाँ पे हमें इजीली जॉब मिल जाए, 12th ITI डिप्लोमा इस बेसिस पे जॉब मिल जाए, और नोएडा के अंदर जो इंडस्ट्रियल हब है वहाँ पे इजीली आपको जॉब मिलती है, वो होता है ग्रेटर नोएडा। वहाँ पर आपको बहुत सारी जो मोबाइल कंपनीज है उसके अंदर में जॉब अवेलेबल मिल जाएगी। इसके एक कंपनी का मैं आज नाम और डिटेल वगैरह सब आपको बताने वाला हूँ कि क्या सैलरी है, कैसे इंटरव्यू वगैरह होगा, कहाँ पर होगा, कब जाना पड़ेगा, कितनी टाइमिंग है, क्या पैसे मिलेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करके बताने वाला हूँ कि कब आप वहाँ पे देने के लिए जा सकते हो। और ये कंपनी के बहुत ही अच्छी हायरिंग है यहाँ पे, जो है मैन्युफैक्चरिंग होता है जैसे कि मोबाइल वगैरह है, बल्ब वगैरह है, इस तरीके के मैन्युफैक्चरिंग के काम होते हैं जो कि 8 घंटे की जॉब है। 8 घंटे की जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द जॉब 10 घंटे की होती है, तो 8 घंटे की जॉब काफ़ी अच्छा रहेगी जिससे कि आप पार्ट टाइम कुछ और भी काम अपना कर सकते हो। तो आज मैं उस कंपनी के बारे में सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले ये हायरिंग हो किस कंपनी में रही है ये मैं बता देता हूँ। देखो हायरिंग ये नोएडा के अंदर में है, और ये इस कंपनी का नाम हर कोई जानता, वो होता है डिक्सन, डिक्सन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है ये नोएडा के अंदर में, ग्रेटर नोएडा में, उस कंपनी के अंदर ये हायरिंग आ रही है, जो कि आपको मोबाइल वगैरह कंपनी के अंदर में जो इजीली हायरिंग होती है वो हायरिंग है। तो डिक्सन बहुत बड़ी कंपनी जिसके कई सारे ब्रांच नोएडा के अंदर में है, जिसमें कि एक ब्रांच में हायरिंग आ रही है। मैं उसका जो एड्रेस है बता देता हूँ कहाँ पर है, वो है प्लॉट नंबर 6 और 7 सेक्टर 90 में, जो सेक्टर 90 है नोएडा के अंदर में, प्लॉट नंबर 6 और 7 के अंदर ये डिक्सन कंपनी, वहाँ पे जो हायरिंग है ये आपकी आ रही है, वहाँ पे आप जा सकते हो। किसकी हायरिंग है? सिर्फ लड़कों के लिए है। अगर आप एक लड़के हो वहाँ पे हायरिंग के लिए आप जा सकते हो, वहाँ पे आपको इजीली जॉब अवेलेबल हो जाएगी। क्या डिटेल रहने वाली है मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। सबसे पहले ये जो हायरिंग है, आपको एड्रेस वगैरह मैंने बता दिया जहाँ पे प्लॉट नंबर 6 और 7 और सेक्टर 90 है, इसके अंदर में जो डिक्सन, क्योंकि बहुत सारे ब्रांच है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस ब्रांच के अंदर में हायरिंग है, तो जो सेक्टर 90 के अंदर में है उस डिक्सन के अंदर ये हायरिंग आने वाली। सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन अगर समझा जाए कि क्या क्वालिफिकेशन के अंदर आपकी हायरिंग है, ये 10th पास हो, 12th पास हो, ITI की हो या डिप्लोमा की हो, ये 4 बेसिस पे आपकी वहाँ पे हायरिंग देखी जाएगी, 10th, 12th, ITI और डिप्लोमा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपना क्या क्या लेके जाना है वहाँ पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर में आपको अपना आधार कार्ड, 10th, 12th का जो मार्कशीट होता है, जो सर्टिफिकेट होता है वो, ग्रेजुएशन अगर आपने किया तो वो, अपना एक बैंक अकाउंट का जो पासबुक होता है वो आपको रखना है अपने पास में, साथ ही साथ सभी डॉक्यूमेंट की जो फोटोकॉपी होनी है वो फोटोकॉपी आपको करा के रखना है, क्योंकि वहाँ पे आपको शॉप मिलेगी नहीं मिलेगी, तो इस वजह से फोटोकॉपी आपको हमेशा करवा कर उस चीज़ की रखनी है और अपने बैग में उसको कैरी करके लेके जाना है। सैलरी की अगर थोड़ा सा बात किया जाए कि सैलरी क्या रहने वाली है, तो सैलरी में मैं बता दूंगा। सबसे पहले काम आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस पिक्चर पे आप देख दो, जैसे बल्ब वगैरह बन रहा है तो इसको बैठ के असेंबल करना है, जैसे मोबाइल वगैरह मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसको सारा असेंबल करना, पैकिंग वगैरह करना, इसी तरीके के बहुत सारे उसके अंदर में जब आप जाओगे ना, तो जैसे 10th, 12th, ITI और डिप्लोमा ये मैंने बताया, तो हर किसी का काम अपना अपना डिवाइड है कि 10th वाले को इस तरीके का काम देना, 12th को इस तरीके का काम देना, ITI वाले को ये काम देना और डिप्लोमा को ये काम देना। सैलरी भी सबकी अलग है और काम भी सबका डिवाइडेड है, तो जब आप 12th के बेसिस पे जाओगे तो वो आपको एक अलग काम देंगे, पैकिंग का काम देंगे, मैन्युफैक्चरिंग के पास में काम देंगे, हर काम आपका चेंज होता रहेगा आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, तो वहाँ पे जाकर आप पता करो। सीधा आप बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी अगर आप 10th और 12th पास हो तो सैलरी आपकी रहने वाली है 10,275 रुपये, ये मिनिमम और बेस सैलरी आपकी रहने वाली है, जो कि आपको इन हैंड आपके हाथ में मिलेगी 10,275। अगर आप ITI हो तो उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी 11,300। अगर आप डिप्लोमा हो तो आपकी सैलरी मिलेगी 12,632 रुपये। तो ये कुछ सैलरी स्ट्रक्चर आपका बेसिक रहने वाला है, लेकिन इसके अलग से भी कुछ चीज़ें आपको मिलेगी, वो क्या रहेगी वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो मिलेगा वो मिलेगा आपको अटेंडेंस अवार्ड, वो मिलेगा 1500 रुपये पर मंथ में। अगर आप पूरे का पूरे अटेंडेंस करते हो, कोई भी छुट्टी नहीं लेते हो, तो 1500 रुपये एक्स्ट्रा आपकी सैलरी में मिलेगा, वो है अटेंडेंस अवार्ड। दूसरी चीज़ क्या मिलेगा, पंचिंग अवार्ड मिलेगा, वो है 500 रुपये। तीसरी चीज़ है आपको एक करेंटली अवार्ड मिलेगा, वो मिलेगा 3000 रुपये, 3 मंथ में, लेकिन वो एक बार मिलेगा 3000 रुपये। दूसरी चीज़ क्या है, ओवर टाइम आपको सिंगल करना रहेगा, उसकी सैलरी अलग मिलेगी, ठीक है। अगर आप लंच डिनर ऑफिस के अंदर ही करते हो, वहाँ पे जहाँ काम करो वहीं करते हो, तो 100 रुपये पर दिन काटे जाएंगे। एक दिन अगर आप खाना खा रहे हो तो वहाँ पे आपका 16 रुपये काटे जाएंगे आपकी सैलरी से। लेकिन अगर अपना लंच वगैरह डिनर वगैरह आप लेकर अपने साथ ही जाते हो, वहाँ पे कैंटीन में सेवन नहीं करते हो, खाना नहीं खाते हो, तो आपके ये पैसे चार्जेबल नहीं रहेंगे, तो इसी बात का ध्यान रखना। बस की सुविधा वहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि बस की सुविधा फ्री है नोएडा में, काफ़ी ऐसी कंपनी है 80-70% जो कि अपनी सुविधा देती है बस की, मदरसन की भी जैसे मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें बस की भी सुविधा है, कैंटीन वगैरह की भी सुविधा है, तो वहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि आप कहीं भी अगर दूर भी रहते हो, आसपास में भी रह रहे हो, तो वहाँ पे आपकी बस की सुविधा अवेलेबल है आपके लिए, हमेशा आप बस से उसे जा सकते हो और आ सकते हो।
अब क्या रहेगा कि कंपनी में बस की सुविधा तो आपको मिल रही है, अब कंपनी का जो एड्रेस होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट एड्रेस है, मैं यहाँ पे देखो शो हो रहा होगा इस एड्रेस पे, तो इस एड्रेस पे आपको जाके वहाँ पे इंटरव्यू के लिए सारी चीज़ें पता कर लेनी है। कब जाना है? सुबह 6 बजे 7 बजे के आसपास वहाँ पे मॉर्निंग में आपको पहुँच जाना है। कम से कम मिनिमम 7 साढ़े 7 बजे के आसपास में पहुँच जाओ, और 11 के आसपास में आपकी जो है उससे पहले ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब इसकी हायरिंग होगी कैसे, वो चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि हम डायरेक्ट कंपनी के अंदर नहीं जा सकते। आप बोलोगे कि नहीं भैया मैं सीधा कंपनी के अंदर जाऊँगा, हायरिंग हो जाऊँगा, ये कोई टेक महिंद्रा एनर्जाइजर जैसी कंपनी नहीं है कि सीधा हम इंटरव्यू दे देंगे। इसमें क्या रहता है कि जब आप कंपनी के गेट के पास जाओगे तो कई सारे बाहर में एजेंट उनके खड़े रहेंगे, जो कि हायरिंग के लिए लेके आएंगे कि ट्वेल्थ के लिए मेरे पास हायरिंग है, आईटीआई के लिए मेरे पास हायरिंग है। पैसे वगैरह किसी को देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनकी हायरिंग नॉर्मली ऐसी ही होती है। बाहर में कुछ लोग एजेंट अगर खड़े होंगे तो आप उनके पास जाओ कि भैया मैंने ट्वेल्थ किया है, मुझे डिक्सन के अंदर में जॉब चाहिए थी, आपकी हायरिंग मैंने देखी थी कि हायरिंग यहाँ पर आई हुई, हमेशा हायरिंग वहाँ चलती है। तो उन्होंने बोलेंगे कि हाँ आप एक रिज्यूम फिल करो, वहाँ पर रिज्यूम आपको फिल करने के लिए देंगे, वो रिज्यूम फिल करो और उसके बाद फिर आप अंदर वगैरह लेके जाएंगे, आपका जो भी प्रोसेस होता है वो प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट करवाएंगे। तो इस तरीके से जा सकते हो। और अगर आपको सोचना है कि भैया मैं एक बार जाके वहाँ पर पता करके आता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, तो एक दिन सबसे पहले मेरे हिसाब से अगर आपके पास समय है, टाइम है, तो आप एक दिन बाहर जाके खड़े रहो, 7:30 से लेकर 10 बजे तक वहाँ पे खड़े रहो, बाकी लड़कों को देखो कि वहाँ पे क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वहाँ फिल कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी आप वीडियोस वगैरह देख रहे हो तो उसमें क्या सच्चाई है नहीं है वो चीज़ें आप नहीं बता सकते। जहाँ तक मैंने पता किया कुछ लोगों से, तो वहाँ पे हायरिंग हो रही है, इजीली हो जाती है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और 10-10, 15-15 साल से पुराने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन सैलरी आपकी यही रहेगी, ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो इस वजह से इस कंपनी को हमेशा फिक्स करके मत चलना कि इस कंपनी में ही हमेशा मैं काम करूँगा। मैं सिर्फ आपको इस कंपनी को स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि 10,000 कोई सैलरी नहीं होती है ट्वेल्थ, या इससे ज़्यादा सैलरी आपको ट्वेल्थ पास में मिल जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ काम वगैरह नहीं आता, आप इंटरव्यू वगैरह उतना हार्ड नहीं दे सकते टेक महिंद्रा का, तो यहाँ पे आप इजीली जा सकते हो, जिसमें कि आप 2 महीने 3 महीने 6 महीने काम कर लो, उसके बाद फिर अपनी इंग्लिश वगैरह सही करके उसके बाद किसी और कंपनी में ट्राई करो, किसी आईटी कंपनी में भी उसके अंदर में ट्राई करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो को शेयर करना अगर दोस्तों को जॉब की ज़रूरत है। तब तक मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।